प्रधानाध्यापक और प्राध्यापक पदों में संख्यात्मक आधार पर पदोन्नति की मांग को लेकर संघर्षरत रेसला संगठन के बैनर तले रविवार को बाड़मेर के व्याख्याताओं ने बैठक आयोजन कर राज्य सरकार का घेराव किया। बाड़मेर जिला मुख्यालय के भगवान महावीर पार्क में आयोजित हुई इस बैठक में जिलाध्यक्ष डूंगर सिंह सारण, जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी और ब्लॉक अध्यक्ष शामिल रहे। प्रधानाध्यापक एवं प्राध्यापक पदों में संख्यात्मक आधार पर पदोन्नति की मांग को लेकर संघर्ष रेसला संगठन के बैनर तले रविवार को बाड़मेर के व्याख्याताओं ने बैठक का आयोजन कर राज्य सरकार का घेराव किया। बाड़मेर जिला मुख्यालय के भगवान महावीर पार्क में आयोजित हुई इस बैठक में जिलाध्यक्ष डूंगर सिंह सारण, जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं ब्लॉक अध्यक्ष शामिल रहे। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष डूंगर सिंह सारण ने कहा कि रेसला उप प्रधानाचार्य पद को पूर्ण रूप से वित्तीय भार घोषित करता है और इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। जिलाध्यक्ष के अनुसार राजस्थान सरकार के बजट भाषण में उप प्रधानाचार्य पद को लेकर एक बयान आता है जिसमें इस पद पर अतिरिक्त भार डालने की बात कही गई थी। सारण के अनुसार संगठन इस प्रकार का अनावश्यक बोझ बढ़ाने को लेकर सरकार की मंशा का विरोध करता है। बैठक के दौरान रेसला के पदाधिकारियों व्याख्याताओं ने कहा कि राज्य भर के स्कूलों में रिक्त पड़े प्रिंसिपल के 3000 पदों के बावजूद व्याख्याता विद्यालयों में सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। उनके अनुसार आहरण वितरण अधिकारी के तहत वो उस क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों को क्रमिकों को वेतन भी PEO कर सकते हैं। ऐसे में उन्होंने प्रधानाध्यापक के पद को अतार्किक बताते हुए इस पद को शीघ्र समाप्त करने की मांग की। बैठक के दौरान ब्लॉक अध्यक्षों ने भी अपने विचार साझा करते हुए अपनी समस्याएं संगठन के पदाधिकारियों के समक्ष रखी। 22 और 23 तारीख को सरकार के साथ हमारी संख्यात्मक अनुपात को लेकर बातचीत होनी है, उस उपलक्ष्य में हमने मीटिंग रखी है और फिलहाल 2-3 दिन से कोई सरकार नई पोस्ट जो उप प्राचार्य की है VP की पोस्ट जारी कर रही है, सर्जित कर रही है, उसका हम विरोध करते हैं और जो हमें स्वीकार्य नहीं है। और HM जो पद है, हेडमास्टर पद है, उसका भी हम विरोध करते हैं। हम आगे जो हमारी जो व्याख्याताओं के जो कार्य है उन कार्यों के बारे में हम सरकार को अवगत कराएंगे और जब हम सक्षम है काम कर रहे हैं और फिर हमारा 4800 ग्रेड पे वाला व्यक्ति जब ये सारा काम कर सकता है तो 2400 ग्रेड पे वाले लोगों को वहां रखने की जरूरत कहाँ है। बैठक के दौरान श्रवण पारिक, रूपाराम सिया, किशनलाल प्रजापत, अनदा राम चौधरी, भागीरथ गोसाई, जिला कार्यकारिणी सदस्य तनवीर सिंह डौकिया, दल्लाराम, जोगाराम, मोतीराम, जोगाराम सारण, रामलाल बेनीवाल, सवाई सिंह, नरेश भंसाली समेत संगठन के पदाधिकारी, जिला कार्यकारिणी सदस्य, ब्लॉक अध्यक्ष एवं दर्जनों व्याख्याता मौजूद रहे। बैठक के दौरान मंच संचालन जिला प्रवक्ता देवेंद्र गिरी ने किया।